हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और एक नए नवेल एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। पहले तो मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि वडोदरा से मैं उदयपुर आऊँगा, उदयपुर से रायता हिल और रायता हिल से फिर सावरिया सेठ, इसके बाद मैं सीता माता, फिर चित्तौड़ का भी प्लान था, लेकिन अभी टाइम है नहीं मेरे पास में। और दूसरी बात यह है कि अभी मुझे गाँव पहुँचना है रात तक, और इसके बाद मैं वैसे मैं चकमाल को भी एक्सप्लोर करने वाला था, लेकिन चकमाल ऑलरेडी मैं एक्सप्लोर पहले कर चुका हूँ, कुछ नयापन नहीं कर सकते थे। और रीज़न ये है कि रायता हिल बड़ी है तो चकमाल छोटी हिल से, तो उस टाइप का है। हेलो, पहले कमाइए प्रॉफिट, फिर दीजिए इसी मंत्र के साथ दुनिया भारत के नंबर वन शेयर एडवाइजर। हाँ ठीक है, रखो फोन रख दीजिए प्लीज। यहाँ पे बच्चे इतने बदमाश है, स्कूल वाले बच्चे हैं, जाते टाइम तो पत्थर मारा था किसी ने पीछे से, और अभी एक जन ने किसी ने जैसे गाड़ी गुजरी पीछे से मुक्का मारा गाड़ी को, बजा फिर जानबूझ के मैं तो मस्ती में खाली रोकी गाड़ी और थोड़े देर आगे ले गया और फिर रोकी और फिर वापस पीछे ले गया, तो जो करने वाला था, कांड करने वाला लड़का था, वो दौड़ के भाग गया। फिर दूसरे लड़के भी, दूसरे बच्चे, लड़कियां और लड़के सब थे, तो वो भी भागने लगे। मैंने कहा मस्ती कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, अब बच्चे हैं करते रहते हैं यार, हम भी एक जमाने में करते थे ऐसे, सब चलता है करते रहते हैं, क्या कर लेंगे अपना बच्चों का, समझ के बच्चे की हरकतें ऐसी होती है, चलता है। पत्थर मारा वो बराबर नहीं किया यार, पत्थर कहाँ लगा वो पता नहीं मेरे को, लेकिन पीछे मारा था पत्थर। आपको देखना पड़ेगा, गाड़ी साफ सफाई करवाएंगे तब पता चलेगा कहीं पर कुछ डेंट वेंट लगाए कि नहीं लगाए, कि छोटा पत्थर था, बड़ा पत्थर था, वजह तो टक से था। और मुक्के मुक्के कहाँ लगते हैं इसको, अगर मुक्के लगते तो फिर फाइव स्टार थोड़ी होती है, ऐसे पत्थर भी कोई असर नहीं करता है। अबे अचानक से ये एरर कहाँ से आ गई, ये एरर टेस्टेड सर्विस ड्यू हो गई, चेक ईपीएस सिस्टम, निकल गए इन सब एरर एक साथ, तीनों तीन एरर निकल गए, बंद करके स्टार्ट की, होता रहता है बीच बीच में कहीं तकलीफ पड़ती है। अभी वो क्या, मैंने जैसे नीचे उतारी तो पता नहीं अब इसके कुछ सेंसर वेंसर हिल गए होंगे, इसके सेंसर बहुत हिल जाते हैं, हिले क्या सेंसर। तो जा ही नहीं पाई गाड़ी, नहीं निकल रही आपकी गाड़ी। अब जा क्या उधर, ओए सर रुकिए भैया, एक तो कोड ऊपर से खुजली, अरे बाप रे, सब प्लान की मां की आंख कर दे। अब रगड़ जाएगी पूरी गाड़ी गाड़ियों में, हाँ इधर ट्राई कर सकते हैं,
खड़ा रहे, इधर टच कर जाएगी पीछे। अरे खड़ा तेरे, नहीं निकलेगी। वो क्या हिल जाएगी जरा भी? नहीं हिल जाएगी ना तो उसको ट्रक को टच कर जाएगी अभी। हाँ मशीन आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है? उदयपुर उधर से भी जा सकते हैं। तुम कहाँ के हो? पंजाब बिहार का? ये क्या निकलने के लिए निकल जाती, लेकिन क्या गाड़ी इधर झुक रही थी ना, वो जंपर जैसे गाड़ी हिलती है ना तो फिर उसको क्या ट्रक को ड्राम से टच कर जाएगी। निकलने के लिए तो निकल जाएगी, नहीं निकलेगी ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन तकलीफ क्या पड़ती कि गाड़ी डैमेज हो जाती, मतलब जरा सी भी इधर उधर मतलब झुकती ना तो गाड़ी धीरे 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 झुकने ही वाली है। मुड़ो, यूटर्न यूटर्न यूटर्न। क्या हुआ? ट्रक खड़ी हुई आगे अपनी, कोई बात नहीं। मैंने सोचा खड़े होंगे, पूछ रहे होंगे कुछ क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा ट्रक खड़ी हुई क्या? अपनी चे तो निकालो, दूसरा क्या। अभी गाड़ी बीच रोड में पार्क कर दी है। रीजन ये है कि वो लोकेशन तो देखने को नहीं मिली, तो ये लोकेशन देख लेते हैं। और उधर से कोई आने वाला है नहीं, क्योंकि उधर ट्रक वाले ने ब्लॉक करके रख दिया है। और इधर जो आएगा उसको मैं यहाँ से ही भगा दूंगा, फट करके निकल यहाँ से। और ये लोकेशन भी जबरदस्त है, छोटा सा तालाब है। रास्ता बंद है आगे, बंद है मतलब एक ट्रक बिगड़ गई है, चढ़ नहीं रही है तो गाड़ी नहीं जा पाएगी। मेरी तरह होंगे, मैं तो निकाल ही लूंगा करके। ये बच्चे सोच रहे होंगे कि आज भैया भटक क्यों रहे। अभी हम आ गए हल्दीघाटी। हल्दीघाटी का हाल कैसे हो गया देख लो आप, कोई रखरखाव नहीं है भाई। मजाक था, मजाक। हाँ हल्दीघाटी नहीं है ये। अरे 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 अरे, पाइप के चक्कर में हमारी गाड़ी के स्क्रेच लग जाते हैं। अभी लपेटे में आ जाता ही है खुद ही। एंड्रॉइड में आप कुछ भी इसमें छेड़छाड़ करते हो तो 4K 30 FPS, इसका मतलब स्टैंडर्ड मोड होता है। और इसके बाद में अगर कुछ भी आपको वाइड एंगल लेना है तो 1080 30 FPS हो जाएगा फिर 0.6 में। और इसके बाद में लटपट जो भी आपको लगाना है वो भी 30 FPS हो जाएगा। उसका एक दूसरा चौंचला भी है, वो वाइड एंगल नहीं होगा लट, ठीक है। 30 FPS, 1080, 1x, ठीक है, 1x, 2x, 3x जो भी आपको करना है वो कर सकते हो, बाकी इसके नीचे नहीं होगा वाइड एंगल। तो सब अलग अलग फीचर होते हैं इसमें, कुछ एक दो फीचर और भी हैं तो नरेंद्र ज्यादा बताने से कुछ फायदा नहीं, फिर टेक्निकल गुरु जी बन जाएंगे आप। अब
भी हम अंदाज से ही जा रहे हैं क्योंकि ये दो मुहा रोड है, दो मुंह वाला, एक इधर जाता है एक उधर जाता है, ठीक है। तो एक तरफ तो बंद है, वो ट्रक वाले भाई साहब ने पूरा रोक के रखा हुआ है। यहाँ पे भी मैप में डाला हुआ है लेकिन किलोमीटर बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, फंस नहीं जाए यहाँ, नहीं रायता हिल में रायता ना फैल जाए। नहीं हो रहा उदयपुर 41 किलोमीटर बता रहा, कब से 41 कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी तकलीफ तो तब होगी, कब होगी मालूम है आपको? अगर यहां से रास्ता ही नहीं होगा तो फिर ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला अपने से, सब प्लान फेल हो जाएंगे, फिर एक ए टू जेड प्लान फेल हो जाएंगे। नजारे तो जबरदस्त है लेकिन सब टाइम जा रहा है धीरे 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 धीरे, इतना टाइम चला गया अभी भगवान का था पता नहीं क्या है, सब माला चली हुई थी, जो हो उनको प्रणाम। तो किसी से पूछने में भी डर लगेगा, उदयपुर कहाँ से जाना है, तो बोलेंगे ये रास्ता नहीं जाता है ये तो, अरे री रूट कर रहा है यार ये वापस इसकी माँ की। नेटवर्क भी गए, ऐसे करके मैं 100 किलोमीटर उदयपुर तक दूर भाग जाऊंगा। किसी को पूछे भी तो पता नहीं होगा यहाँ पर उदयपुर कहाँ जाता है। रोड ट्रिप में ये भी होता है, अच्छी बातें होती है लेकिन बुरी बातें भी होती है ये सब। उधर रास्ता बने उदयपुर, इधर जा सकते उदयपुर यही जाए, जाएगा उदयपुर छह किलोमीटर उदयपुर, उदयपुर 6 किलोमीटर है, किधर से जाने का फिर? ये हिधर रोड है, एक रोड को यूजर इधर है, हिधर रोड सीधे जाने, सीधे जाने हाँ ठीक है। गूगल मैप की माँ की आंख, ये 6 किलोमीटर बता रहा है उदयपुर 6 किलोमीटर ही है, और ये हरामखोर 43 किलोमीटर बता रहा है वो गूगल। सत्यानाश हो गूगल का, और किलोमीटर बढ़ रहे हैं यार, इतने बढ़ रहे हैं आप। अभी वो भाई साहब आपके सामने बोल के गए हैं बराबर, 6 किलोमीटर सीधा सीधा जाना, अब ये देखो उदयपुर 43 किलोमीटर बता रहा है, मतलब कोई रात को अगर मिले ही नहीं कोई तो दिमाग में यही रहेगा कैसे जाना है कैसे जाना है।